हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड पोस्ट पर। उत्तराखंड से जुड़ी हर खबर सबसे पहले उत्तराखंड पोस्ट पर, साथ ही उत्तराखंड से जुड़े रोचक वीडियो देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा बुधवार को राजकीय बालिका इंटर कॉलेज चंपावत में आयोजित चंपावत एवं लोहाघाट विधानसभाओं की कुल 1,70,54,00,000 रुपए की लागत की कुल 42 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया, जिसमें चंपावत की 9 योजनाओं का लोकार्पण और 14 योजनाओं का शिलान्यास के साथ ही लोहाघाट विधानसभा की 3 योजनाओं का लोकार्पण और 16 योजनाओं का शिलान्यास शामिल है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा जिले के विकास के लिए अनेक घोषणाएं की गई, जिसमें जिले के 100 सरकारी विद्यालयों का रूपांतरण किया जाएगा, नाबार्ड मद से औद्योगिक विकास किया जाएगा, मुंडियानी में उद्यान फार्म बनाया जाएगा, चंपावत में एडवेंचर पार्क का निर्माण, चंपावत में शूटिंग रेंज भी बनाई जाएगी, जिस हेतु जिलाधिकारी भूमि का चयन करेंगे। उनके द्वारा जिला मुख्यालय में पुस्तकालय हेतु अपनी विधायक निधि से 10 लाख की घोषणा की गई। इसके साथ ही चंपावत का हेरिटेज सिटी के रूप में निर्माण किया जाएगा। जिले में राष्ट्रीय रिवर राफ्टिंग का आयोजन और पैराग्लाइडिंग के क्षेत्र में विकास किया जाएगा, साथ ही पूर्णागिरी राफ्टिंग क्षेत्र में राफ्टिंग का आयोजन कराया जाएगा। जिले के टनकपुर से घाट राष्ट्रीय राजमार्ग के विभिन्न स्थानों पर 7 हिलांस आउटलेट का निर्माण किया जाएगा। चंपावत 1 हतिया नौला मायावती ट्रैक रूट का निर्माण कराया जाएगा। राजबुंगा किले का पर्यटन की दृष्टि से विकास किया जाएगा। सिफ्टी वाटरफॉल का सौंदर्यीकरण एवं सड़क निर्माण आदि का कार्य किया जाएगा। घाट पंचेश्वर सड़क सौंदर्यीकरण व निर्माण किया जाएगा। सीएम धामी द्वारा चंपावत जिले के नवसृजित पुल्ला गुमदेश उप तहसील के संचालन का ऑनलाइन शुभारंभ भी किया गया। आज से उप तहसील पुल्ला गुमदेश का संचालन प्रारंभ हो गया है। इस दौरान विभिन्न विभागों द्वारा सरकार द्वारा संचालित विकास परक योजनाओं के स्टॉल भी लगाए गए, जिनका सीएम धामी द्वारा निरीक्षण भी किया गया। साथ ही विभिन्न प्रगतिशील काश्तकारों से भी वार्ता की गई। उन्होंने स्थानीय फलों के साथ ही बद्री गाय की छाछ का भी स्वाद लिया तथा किसानों के उत्पादों को सराहा। सीएम धामी ने राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में जनसभा कार्यक्रम को भी संबोधित किया। इस मौके पर सीएम धामी द्वारा राष्ट्रीय आजीविका मिशन में समूह गठन के लिए समूह की आजीविका संबंधी गतिविधियों को प्रोत्साहन के लिए 8 समूह लाभार्थियों को चेक वितरित किए गए। सीएम धामी ने प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत मुख्यमंत्री घोषणा में आवास निर्माण कार्य पूर्ण होने पर लाभार्थियों चंद्रकला, लीलावती, रामचंद्र जोशी, देवकी देवी, सुंदर सिंह, रेखा देवी, ममता देवी, हेमा देवी को 5,000 की धनराशि के चेक साज सज्जा हेतु प्रदान किए। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना अंतर्गत प्रति लाभार्थी को प्रथम किस्त 6,000, द्वितीय किस्त 4,000 और तृतीय किस्त 3,000 की धनराशि के चेक प्रदान किए गए। साथ ही स्वास्थ्य संवर्धन योजना अंतर्गत ओपन जिम स्थापित किए जाने के लिए युवक मंगल दल के अध्यक्षों को मुख्यमंत्री द्वारा 17,960 के धनराशि के चेक वितरित किए गए। स्वावलंबन योजना अंतर्गत महिला मंगल दलों के अध्यक्षों को कुल 626 युवक एवं महिला मंगल दलों को स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से दलों की आवश्यकता अनुसार सामग्री आदि के क्रय करने एवं स्वरोजगार उत्पन्न करने के उद्देश्य से प्रति दल को 14,268 की धनराशि चेक वितरित किए गए। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के अंतर्गत कमला देवी, कविता देवी, दीपा देवी, हीरा देवी और चंचला देवी को उज्ज्वला योजना के अंतर्गत निःशुल्क गैस कनेक्शन वितरित किए गए। इस मौके पर अपने संबोधन में सीएम धामी ने कहा कि राज्य के विकास की शुरुआत जनपद चंपावत से की जाएगी, जिससे उत्तराखंड उत्कृष्ट राज्य बनेगा। यह 100 दिन सरकार का समर्पण और प्रयास का रहा है। हम उत्तराखंड प्रदेश को पूरे देश में अग्रणी राज्य बनाने के साथ ही उत्तराखंड सरकार विकास की आधारशिला रखने का कार्य कर रही है। उन्होंने कहा, वे हमेशा चंपावत वासियों के बीच रहकर यहां की जनता की सेवा करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कार्यकाल में श्री नरेंद्र मोदी के 8 साल पूर्ण हो गए हैं। इन 8 साल में भारत पूरे विश्व में तरक्की के क्षेत्र में अपना अलग स्थान रखता है।
केंद्र सरकार द्वारा महिला कल्याण के लिए अनेक जनकल्याणकारी योजनाएं संचालित की गई है। महिलाओं को गैस कनेक्शन घर में दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार गरीब घरों को साल में 3 सिलेंडर मुफ्त में देगी। सीएम धामी ने कहा कि कोरोना काल में भी सभी की जान बचाने के लिए देश के वैज्ञानिक शोधार्थियों जिन्होंने दो दो वैक्सीनों का निर्माण किया, मैं उनका धन्यवाद देता हूं। भारत सरकार ने देशवासियों को मुफ्त में वैक्सीन लगाने के साथ ही अन्य देशों की चिंता करते हुए लगभग 20 देशों को भी वैक्सीन पहुंचाई। आज आज़ादी के 75वें साल में देश में अनेक विकास कार्य कराए जा रहे हैं। देश के वीर स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में अनेक ऐतिहासिक कार्य किए जा रहे हैं, जिसमें दिल्ली में देश के सभी प्रधानमंत्रियों के नाम पर संग्रहालय बनाया गया है, जिसमें उनके कार्यकाल में किए गए विकास के कार्यों को सजाया गया है। उन्होंने कहा, आने वाले समय में अयोध्या दुनिया का सबसे बड़ा धर्म का स्थान बनेगा। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड के इन 100 दिनों के कार्यकाल में अनेक ऐतिहासिक कार्य कराए गए हैं। उत्तराखंड राज्य में सभी धर्मों के लोग निवास करते हैं। यहाँ समान नागरिक संहिता कानून लागू हेतु सरकार द्वारा कार्य किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा पर्यावरण मित्रों का मानदेय 500 रुपये करने के साथ ही विभिन्न पेंशन में बढ़ोतरी की गई है। राज्य में भ्रष्टाचार पर पूर्ण लगाम लगाए जाने के लिए 106 टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। सीएम धामी ने कहा कि विकल्प रहित संकल्प के तहत देश में उत्तराखंड राज्य उत्कृष्ट राज्य बनेगा। उन्होंने कहा कि शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय का कैंपस चंपावत में बनेगा, जिसके लिए 5 करोड़ रुपए की धनराशि जारी कर दी गई है। आने वाले समय में चंपावत मॉडल जिला बनेगा। यहां का चौमुखी विकास होगा। इस क्षेत्र में कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा सीएम धामी ने कई घोषणाएं की हैं। उत्तराखंड से जुड़ी ऐसे ही रोचक वीडियो और खबरें सबसे पहले पाने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।